बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल सैनी हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं और अभी मंगलम मेडिसिटी मानसरोवर में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी लॉस के बारे में, जिसे आमतौर पर बोलते हैं भूलने की बीमारी। ये बड़ी ही कॉमन समस्या है, आजकल हर एज ग्रुप में पाई जाती है। स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग आदमी, हर किसी को एक शिकायत बहुत ही कॉमन है कि उन्हें याद नहीं रहता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात तो, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आपसे वो काम कराया जा रहा है, तो ये बात पक्की है कि आप उसमें ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे। जैसे कि अगर किसी को अपन बहुत ज़्यादा पढ़ाई के में पुश कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो उस चीज़ उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम याद रख पाएगा, अपन बोलेंगे, जिसमें उसका इंटरेस्ट सबसे कम है, और वो उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन याद रख लेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो याददाश्त भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि जिस बारे में अपन ज़्यादा सोचते हैं वो अपन को ज़्यादा याद रहती है। दूसरा, अपना ब्रेन इस पे भी काम करता है कि जो अपने काम की चीज़ें होती है उसे ब्रेन जल्दी से याद कर लेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। मगर जो अपन को लगता है ब्रेन के लिए कि काम की चीज़ें नहीं है, भले से वो अपने लिए कितनी भी ज़रूरी हो, मगर अपने सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, उसे ब्रेन याद भी नहीं रखता ज़्यादा। तो ये तो ही आम उसमें। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चिंतित है, एंजाइटी में है, डिप्रेस है, तो उसकी याददाश्त और कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि ज़्यादातर चिंतित व्यक्ति के दिमाग में कुछ और बातें चल रही होती है बजाय उसके, जिससे वो वार्तालाप कर रहा है या जो काम उसके हाथ में है उसके बजाय उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो जिस तरह अगर अपन अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप एक साथ खोल देते हैं तो वो भी हैंग होने लग जाता है, इसी तरह अपना ब्रेन भी एक साथ बहुत सारे काम अगर अपन कर रहे हैं तो वो किसी न किसी काम को भूलेगा और याद नहीं रख पाएगा। ये एक बिल्कुल नॉर्मल थिंग है। तो सबसे पहली बात, अगर इस चीज़ से निमटना है कि अगर अपन को फोकस जिसे बोलते हैं, तो एक बार में एक ही काम करिए, खासतौर पर स्टूडेंट, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई को ही ध्यान में रखिए, बाकी सब कुछ को भूल जाइए। आप जिस जो आपके हाथ में काम है आप उसे रखिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके घर में परिवार में परेशानी चल रही है, वो अपने बिजनेस को भी संभाल रहा है, नौकर नहीं आ रहे हैं, उनका भी उसी को देखना है, सब काम चलना है, तो वो कुछ ना कुछ भूलेगा। तो एक बार में एक काम, अपने घर की टेंशन घर पे, बिजनेस की बिजनेस के साथ। दूसरा, एक जो बहुत ही और कारण अपन बोलें जिसे, कि विटामिन की डेफिशिएंसी। कुछ लोग जो बहुत मांस और अंडे नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो इनमें कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12, इसकी वजह से भी याददाश्त कमज़ोर होती है। फिर इसके अगला कारण हो सकता है कि अगर कोई आदमी नींद नहीं लेता बराबर, याददाश्त को परमानेंट बनने के लिए ब्रेन का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई आदमी सो ही नहीं रहा, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद ले रहा है और बाकी दिन सारा काम कर रहा है, तो उसकी याददाश्त कमज़ोर होगी। फिर कुछ बीमारियों की वजह से भी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, जैसे HIV, ब्रेन में TB हो गया, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी भी याददाश्त कमज़ोर होगी। सिर्फ चोट लगने की वजह से भी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। फिर एक जो थोड़ा सा ख़राब कारण माना जाता है, कि अगर ब्रेन में कोई गांठ है, कैंसर की गांठ है, TB की गांठ है, या कोई और भी समस्या की वजह से ब्रेन में कोई ऐसा मांस या फिर कोई गांठ बनने लग गई है, तो वो भी मेमोरी को अफेक्ट कर सकती है। फिर सबसे लास्ट में, और जो ओल्ड उम्र दराज लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, उसे बोलते हैं डिमेंशिया। अगर कुछ खास तरीके के डिमेंशिया होते हैं, जो कि आप यूँ मान सकते हैं कि खासतौर पर 60 के प्लस के बाद के लोगों में ही पाया जाता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ ओल्ड एज में 60+ लोगों में याददाश्त में गड़बड़ का सबसे प्रमुख कारण है, और अनफॉर्चुनेटली ये लाइलाज है। इसे क्योर नहीं करा जा सकता, मगर मैनेज करा जा सकता है। दवाइयों से अपन इसके सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हो गया अल्जाइमर। इसमें इसकी खास बात ये होती है कि आदमी सबसे पहले लोगों के नाम भूलने लगता है, उसके बाद दिशाएँ भूल जाता है, उसके बाद वो अपने पैसों का हिसाब किताब नहीं रख पाता, फिर लोगों को भूलने लग जाता है, फिर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो अगर आपके घर में कोई उम्रदराज आदमी ऐसी गलती कर रहा है कि वो कहीं एक जगह पे गया और वहाँ से आना भूल गया, जहाँ से वो रूटीनली आता था, जैसे आपने पास किसी गार्डन में गया घूमने के लिए और वहाँ से वापसी का रास्ता भूल गया, कोई और आपको फ़ोन करके बता रहा है कि आपके परिवार के सदस्य यहाँ पे खड़े हैं और वो घर का रास्ता भूल गए हैं, तो ये अल्जाइमर की शुरुआत
शुरुआती लक्षणों में से एक है, आपको इस पर तभी के तभी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पार्किंसन में भी याददाश्त की कमी आती है लेटर स्टेज में, और भी फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, और भी लिवाइज बॉडी डिमेंशिया, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो खास तौर पर उम्र दराज लोगों को ही नुकसान पहुँचाती हैं और उन्हीं में ही याददाश्त की कमजोरी का कारण बनती हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण और जो सबसे हार्मलेस कारण ये है वो अपन ने चर्चा करी, उनमें से वो है कि आदमी एक साथ बहुत सारे काम कर रहा होता है और चिंतित होता है और ध्यान नहीं दे रहा होता अपने काम में, इस वजह ये, और ये बहुत ही जिसे कहा जाएगा कि हार्मलेस कारण है। अगर अपन फोकस रहेंगे, एक बार में एक काम करेंगे तो अपनी आधी सी मेमोरी इसी से ही बढ़ जाएगी। तो आज अपन ने इस टॉपिक पे चर्चा करी, मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।